फिल्मों की शूटिंग शुरू करने के लिए फिल्म सिटी का काम एक बार फिर से चालू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दे दी थी, लेकिन आपने देखा होगा कि कई सारे फिल्मों की शूटिंग नहीं शुरू हो रही थी, टीवी सीरियल की जो शूटिंग है वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसकी क्या वजह थी दोस्तों, ये आप नहीं जानते हैं। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने के इच्छुक हैं और अगर आप सोच रहे है कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाए और आप मुंबई आएंगे तो ये खबर आपके लिए ही है, आपको इसे देखना सबसे जरूरी है। तो प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो को दे दीजिएगा, थोड़ा समय दे देंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि आखिरकार फिल्मों की शूटिंग परमिशन के बाद भी क्यों नहीं चल रही थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। आपको याद होगा कि इस बीमारी के चलते हमारे जितने भी यूनियन थे, फेडरेशन थे, सभी ने इकट्ठा मिलकर काम बंद कर दिया था और सरकार से अनुमति मिलने के बाद इस काम की शुरुआत कर दी थी। अब आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई से ये सारा काम शुरू होने वाला था, लेकिन इसके बीच में एक अड़चन आ गई थी। आपको बता देता हूं कि ये 3 यूनियन की अभी हाल ही में जूम मीटिंग हुई, उसके अंदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और साथ में जो थे मजदूर यूनियन के लोग थे और साथ में आर्टिस्ट के जो यूनियन थे वो थे। आपको बताता हूँ नाम, इंडियन फिल्म टेलीविजन एसोसिएशन के लोग थे, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज के लोग थे और सिनी एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसे आप सिंटा के नाम से जानते हैं। इनकी जूम मीटिंग हुई, जितने भी पदाधिकारी थे वो इकट्ठा हुए और आपको बता दूं कि आखिरकार सरकार की परमिशन मिलने के बाद क्यों शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, जैसे आप सोच रहे थे कि बड़े पैमाने पर चालू होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की जो यूनियन थी उनकी तरफ से थोड़ा सा जो हमारे मजदूर यूनियन की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी दोस्तों। जैसे कि सिंटा और FWIC की जो गाइडलाइंस जो उन्होंने रखी थी कि हमारे की जो वर्कर हैं, जो हमारे टेक्नीशियन है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनकी कुछ मांगे हैं वो जो है अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मानते हैं तो हम लोग जो है ये नए सिरे से जो है शूटिंग शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुछ मांगे जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो खारिज करते जा रहे थे, नहीं सुन रहे थे। आपको जैसे कि पता है कि लॉकडाउन पिछले 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, कई टेक्नीशियनों का, कई आर्टिस्टों का पैसा प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के पास पड़ा हुआ है, वो अभी तक दे नहीं रहे थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन में सबकी हालत ख़राब थी, इस बारे में बात की गई थी। और साथ ही आपको बता दूं कि अब जब शूटिंग शुरू हो रही है तो ये COVID-19 जो चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, इससे सरकार ने कुछ कहा है कि भाई अब सुरक्षित रहकर ही आप काम करेंगे, तो सरकारी भी कुछ गाइडलाइंस है उसको अगर ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं मानेंगे तो कैसे एक मजदूर, कैसे एक आर्टिस्ट शूटिंग करने पहुँचेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी इस समय बीमारी के चलते बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए जो है FWICA और जो सिंटा के लोग थे उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक पत्र लिखा और कहा भाई कि अब जो है 8 घंटे की जो है ड्यूटी होगी, जैसे 12 घंटे की शिफ्ट होती थी वैसे 8 घंटे की शिफ्ट होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पैसा है वो आपको अब जल्दी देना पड़ेगा, जैसे कि अगर पर डे आप काम कराते हैं तो पर डे वालों को पर डे पैसा देना पड़ेगा और जो आपने सीरियल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है उसे अब 90 दिन का मोहलत नहीं लगेगा, उसे केवल आप 30 दिन में ही पैसे आप अभी दे देंगे। साथ ही आपके जो काम चलेगा उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं करेंगे, जैसे कि आप जब देना चाहे जितना पर डे होता है आप जब इकट्ठा देना शुरू करते हो तो उसमें कटौती करो, तो कटौती उन्होंने बोला है कि भाई अब कटौती नहीं चलेगी। साथ में कन्वेंस मिलता है दोस्तों, जो काम करें उन्हें पता ही होगा कि कन्वेंस कितना जरूरी होता है, क्योंकि हमें पगार तो बाद में मिलती है, पर डे बाद मिलता है, लेकिन रोज हमें कन्वेंस चाहिए होता है किराया भाड़ा के लिए, तो वो कन्वेंस भी जो है यहाँ पे जरूरी होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, महीने महीने काम करते हैं, उन्हें जो है हफ्ते के अंदर एक छुट्टी भी अलाउ होगी, जैसे कि आप जानते हैं कि सेट पे जब शूटिंग होती है तो छुट्टी नहीं होती है उस बीच में, तो उन्होंने कहा भाई टेक्नीशियन और आर्टिस्टों को 1 दिन की छुट्टी भी होगी। ये साथ में ही जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है, शूटिंग स्टार्ट होती है और जो लोग आपके पास काम करेंगे तो वो काम रेगुलर करेंगे, अगर आप उसमें कहेंगे कि बीच में से इनको कहीं निकाला जाए या काम पे से उन्हें बुलाया ना जाए तो ये नहीं होगा, जो एक बार आपके यहाँ पे काम करेगा वो फिर रेगुलर काम करता रहेगा। और साथ में ये भी कहा था कि शूटिंग तभी स्टार्ट होगी कि वहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम होंगे, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा कम क्रू मेंबर लेंगे और साथ में वहाँ पर डॉक्टरों की टीम बैठेगी, साथ में एक एम्बुलेंस होगा और साथ में जो है वहाँ पर अगर सैनिटाइजिंग और ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह की भी व्यवस्था
की जाएगी। मजदूर यूनियन ने प्रोड्यूसरों को ये भी कहा कि अभी इस वक्त ये बीमारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अगर इस बीमारी के चपेट में आपके सेट पर कोई आता है तो उसे जो है उसका बीमा करना बहुत जरूरी होगा। यानी शूटिंग शुरू होने के पहले ही एक बीमा राशि जो है आपको रखनी होगी। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसे इसमें से कुछ धनराशि मदद के तौर पर मिल सके। यानी दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर इस बीमारी के चपेट में कोई आता है और प्राइवेट इलाज होता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो ये खर्चा भी प्रोड्यूसर जो है भरे अगर शूटिंग के दौरान किसी को इस बीमारी के कोई चपेट में आता है तो। ये सारी चीज़ें थी और ये चीज़ें उनको कही गई थी और जिस पे बार बार प्रोड्यूसर इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। बता दूं, 22 जून को मीटिंग हुई थी और उसमें मीटिंग में ये बात कहा गया था कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम 1 तारीख से शूटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। यानी एक तरफ से हड़ताल की धमकी दे दी थी दोस्तों। लेकिन आप बिल्कुल मत डरिए, जैसे उन्होंने ये कहा उसके बाद ही रिजल्ट सामने आ गया। 1 जुलाई से शूटिंग का काम अब शुरू हो जाएगा। जितनी रफ्तार में जो चल रहा था, अब पूरा जो है सारा मामला क्लियर हो गया है। एसोसिएशन और यूनियन की तरफ से बड़ी नोकझोंक चल रही थी जिसे अब पूरा क्लियर कर चुका है और जिसकी जो है प्रेस नोट जारी कर दी है FWICE ने, जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब पूरा मामला फिट हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप लोग बस इंतजार करिए, 1 जुलाई के बाद जो है पूरे फिल्म इंडस्ट्री की जितनी सारी जो लोग थे, इंडस्ट्री के जितने भी टेक्नीशियन और आर्टिस्ट थे, वो अब अपने काम पर शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं पहली शूटिंग मेरी कोई भी बुकिंग आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि ये जानकारी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मुझे एक जो है अब लाइक बनता है ना, लाइक दे दीजिए खुशी के मारे, लाइक तो बटन दबा सकते हैं ना। और भाई, अब कोई अगर सवाल होगा, इसी तरह की आपकी जानकारी कुछ चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए होती है। तो चलिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग नए आए होंगे तो आपको बता दूं, भाई साहब मैं फिल्म इंडस्ट्री के काम की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो वरना इस वीडियो को आप ढूंढते रह जाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।